नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ कंपनीज के ऊपर कुछ गुड इन्फॉर्मेशन भी आया है, कुछ गुड न्यूज़ भी आया है जो आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीमार्ट के बारे में, जिसको हम लोग एवेन्यू सुपरमार्ट नाम से जानते हैं। तो देखिए, डीमार्ट बेसिकली जिस तरीके से वैल्यूएशन हाई करके आगे बढ़ते हैं, हमेशा उसी वैल्यूएशन के ऊपर रहते हैं। देखिए, इसका लोअर साइड का अगर वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो कंपनी का 100 रुपीज़ के आसपास है, 95 से 100 रुपीज़ के आसपास इसका लोअर साइड का वैल्यूएशन है। ऐसे बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ, आप ध्यान से देखना, कोविड के टाइम में कंपनी का लो पी रेश्यो था अराउंड 99 से लेकर 100 तक, और कंपनी कोविड के बाद जब लगातार हाई किए, इसका पी रेश्यो हाई हुआ था अराउंड 300 के ऊपर तक। तो कंपनी के ऊपर उसके बाद बिग फॉल हुआ और कंपनी देखिए बहुत दिनों तक इसी 95 से लेकर 100 के पी रेश्यो के अंदर ही काम किया, और जब भी इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। तो जो लोग सोच रहे थे कि इसका पी रेश्यो 10 से 20 रुपीज़ आ जाएगा तब खरीदारी करूंगा, ऐसे मुझे नहीं लग रहा कि इस कंपनी के पी रेशियो कभी इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि और एक प्रूफ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ जो है प्राइस टू बुक वैल्यू। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखा जाए तो कोविड के टाइम में प्राइस टू बुक वैल्यू चला गया था सिर्फ 12 रुपीज़ के आसपास, और आज कितना लो था, 14 रुपीज़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट वही लेवल में है जो लेवल में कोविड के लेवल था, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू भी सस्ते में है और साथ ही साथ कंपनी के पी रेशियो भी सस्ते में है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि 100 रुपीज़ के पी रेश्यो में काम करना बहुत बड़ा रिक्सी जोन होगा, तो लोग इसी पी रेश्यो के ऊपर ही काम करना चाहते हैं। 1 रुपया कमाने के लिए इस कंपनी के ऊपर 100 रुपीज़ देने के लिए वो तैयार है। तो जब पी रेश्यो इतना हाई के हाई लेवल को भी लो लेवल मान रहे हैं, तो अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो कभी भी आपको ट्रेड कभी भी इस कंपनी के ऊपर कोई भी काम नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे सर मैं इस तरीके से रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ, जब भी पी रेश्यो लो होगा तब कम करूंगा, नहीं तो मैं कोई भी काम नहीं करूंगा। वो अलग बात है, वो आप आपके रूल्स के हिसाब से जरूर चल सकते हैं। तो मैं इस कंपनी को जब एक ट्रेड लिया था तब भी पी रेश्यो 900 से लेकर 90 रुपीज़ के 95 रुपीज़ के आसपास था। तो तब कब ट्रेड लिया था, चलो एक बार मैं बता दूँ। कंपनी के ऊपर देखिए पैटर्न बना था बहुत दिनों से, कंपनी के ऊपर शोल्डर, उसके बाद हेड, फिर से एक बार हेड, फिर से एक बार हेड बने, बार बार सेट सॉरी शोल्डर के बाद एक बार हेड बने, उसके बाद फिर से 2 बार शोल्डर बने, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद बहुत दिनों के इंतजार कराने के बाद फाइनली उसका टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव होने के बाद फिर से एक बड़ा ट्रेड बनने जा रहा है, जो इसका एक बड़ा सा कप बने और एक छोटा सा यहाँ पे हैंडल पैटर्न क्रिएट हो गया। तो कप विद हैंडल पैटर्न बने और फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट कन्फर्मेशन अगर करे तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट होने का चांसेस है। तो जब तक ब्रेकआउट ना होगा तब तक कोई भी डिसीजन मैं नहीं लूँगा, ये बात को हमेशा याद रखना है कि रूल्स को फॉलो करके आपको हमेशा चलना पड़ेगा। तो डीमार्ट के ऊपर जो मेरा पॉजिटिव डिसीजन है वो 2 कारण के वजह से है। पहली बात, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, वो देखा जाए तो कंपनी इस बार भी हाइस्ट सेल्स जनरेट किया, उसी हिसाब से कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद हाइस्ट नेट प्रॉफिट को भी जनरेट किया। तो जो कंपनी सेल्स को लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो कंपनी सेल्स को प्रॉफिट को लगातार ग्रोथ कर रहा है, क्या उस कंपनी का करेक्शन होने का चांसेस रहेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, आपके हिसाब से क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो अभी चलो इस कंपनी के ऊपर बाकी पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग तो किया, म्यूचुअल फंड ने इस बार होल्डिंग को 6.5% कर दिया, और FIIs के पास 7.5% था, वो भी होल्डिंग को बढ़ाकर 9.5% कर दिया। तो आप अभी सोचिए, हाई पी रेश्यो के ऊपर भी इंस्टीट्यूशन बाई कर रहा है, क्या इंस्टीट्यूशन बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं ना, उसको पता है कि 90 से लेकर 100 तक ही इसका लो पी रेश्यो है, इससे नीचे वो जाने का कोशिश नहीं करेंगे, अगर जाए भी तो वो उतना ज़्यादा गिरावट नहीं होगा। तो इसीलिए वो इंस्टीट्यूशन पहले से ही माल उठाना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि डिमांड जिस तरीके से रिकवरी किया है, जिस तरीके से यू टर्न लिया है, जिसका लाइफ टाइम हाई था उसी लाइफ टाइम हाई को वो रिकवरी करेंगे। देखिए, जब बिग फॉल हुआ था तब भी मैंने आपको इस लेवल में जवाया था, तभी मैंने आपको वीडियो शेयर कर यही बताया था कि वॉरेन बफेट जी ने एक बात कही है कि अच्छे कंपनी जब भी छोटे छोटे रिटेल निवेशक माल बेचकर भाग रहा है और शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला है और अराउंड 20 से 30% के आसपास करेक्शन आपको देखने को मिला है और वो भी बेस्ट कंपनी के ऊपर, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी दिया था, उसके बाद कंपनी रिकवरी भी कर रहा है और यू टर्न लेकर
अगर डाउन लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ, अगर यू टर्न लेकर टॉप तक गए तो 84% के आसपास गेन होने का चांसेस है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, आपको काम करना है तो चीज़ों को समझ कर काम करना होगा। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम क्या है? उसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। तो ट्रेंट देखा जाए तो टाटा ग्रुप के सबसे एक अच्छा खासा ग्रोथ देने वाला कंपनी बन चुका है, क्योंकि ट्रेंट का जो नेट सेल्स का ग्रोथ है 51%, मगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, 450% से भी ज़्यादा। तो ऐसे क्या हो गया कंपनी के ऊपर कि सेल्स तो बढ़ रहा है उसके साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? क्योंकि ट्रेंट एक ऐसे बिजनेस सॉल्यूशन लेके आया है कि लग्जरीज प्रोडक्ट्स को लेकर छोटे जो रिटेल निवेशक है, जो मतलब कम प्राइस में ड्रेसेस को खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी अलग से काउंटर ओपन करके रखे हैं। कंपनी के जो बिजनेस है उस बिजनेस के हिसाब से अगर बात करूँ तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटली रिटेल सेल्स के ऊपर रेवेन्यूज है और 100% इंडिया में ही काम कर रहा है। और कंपनी के जो बिजनेस है वो वेस्ट साइड में, मतलब वेस्ट साइड में 50%, साथ ही साथ जूडिया के ऊपर 49% और आदर्श के प्रोडक्ट्स भी है। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट साइड में ही कंपनी का 50% बिजनेस चल रहा है और उसके साथ साथ जूडिया के ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। तो कंपनी के जो डेटा है वो डेटा मैं इसीलिए शेयर किया हूँ क्योंकि कंपनी के अगर ई कॉमर्स बिजनेस के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ट्रेंट नंबर 1 में पहुँच चुके हैं। हाँ, मार्केट के वाइज ट्रेंट अदानी सॉरी एवेन्यू सुपरमार्ट से कम है ये मान लेता हूँ, फिर भी ट्रेंट भी कोई छोटा मोटा कंपनी भी नहीं है, 2 लाख करोड़ बन चुके हैं। तो ट्रेंट के ऊपर जो लोग सोच रहे कि अभी मैं टॉप लेवल में बाई करूँ, उसके लिए बता दूँ, मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न स्केड हुआ था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरीके से कोई भी एक जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड करे और कंपनी का 10 टोटली अप 10 हो, देखिए कंपनी कंटिन्यूसली अप 10 हो और उसके बाद कोई भी एक जगह पे होल्ड करे तो उसको जब भी ब्रेकआउट करेगा एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो फाइनली मुझे 1:3 रेशो के हिसाब से मुझे टारगेट मिला, मतलब 1% का मैंने स्टॉप लॉस रखा था, शेयर तो नीचे आए ही नहीं और लगातार वो भागते भागते ऊपर गया और टारगेट को अचीव किया। और जो टारगेट मिला अराउंड 38% के आसपास, जो मैं स्टॉप लॉस लेकर चल रहा था 12% और टारगेट था 38%। 38% का टारगेट जो मिला वो कितने दिनों में मिला? अगर ओवरऑल मैं एंट्री लेवल से अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 87 डेज में। तो सोचिए 3 मंथ के अंदर अंदर 38% का टारगेट कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है। और दूसरी बात, मुझे ये भी कहा जा रहा है कि कंपनीज के ऊपर क्या सही में इस हाई लेवल में फिर से कोई एंट्री आप लेने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स न बने तब तक मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। हाँ, यहाँ पे अगर कुछ दिनों में फिर से अगर होल्ड करे, फिर से इसी जगह पे कंपनी कुछ टाइम बिताए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका यहाँ पे बन सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मैं सारे रूल्स को फॉलोअप करके काम करता हूँ, मेरा इतने साल का जो एक्सपीरियंस है उसको काम पे लगा कर, मतलब सारी चीज़ों को एनालिसिस करके काम करता हूँ। तो प्लीज़ आप भी ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर काम मत करिए, आपके ओपिनियन भी लगाइए, आपको भी यहाँ पे डीपली रिसर्च करने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें, उसका नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ है, जो उस गुड न्यूज़ के कारण कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। पहली बात, मैं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आपको दिखाना चाहूँगा। रिजल्ट में कुछ खास ग्रोथ नहीं है, कंपनी कंटिन्यूसली एक ही रेंज के ऊपर प्रॉफिट कर रहा है। पिछले बार 500 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं, मतलब कंपनी में जिस तरीके से ग्रोथ का आशा किया जा रहा था अभी तक वो ग्रोथ हुआ नहीं। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है, 8.5 करोड़ का कर्जा है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कर्जा बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स क्या है, चलो वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए अदानी ग्रीन के ऊपर यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदानी ग्रीन एनर्जी क्लॉक्स 22% इंक्रीज इन फाइनेंशियल क्वार्टर 1 रिजल्ट। तो क्वार्टर 1 का जो एनर्जी सेल्स है वो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं, मतलब 22% का सेल्स बढ़ना कोई आम बात नहीं है। और सेल्स बढ़ रहा है मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने का चांसेस है। अब ये देखना है कि कंपनी कितने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, उसी बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा। तो एक गुड अपडेट है, रिजल्ट आने से पहले ही मिल चुका है। दूसरा अपडेट क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं डायमंड पावर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है वो बेग्स 4 बिलियन जो केबल्स ऑर्डर है इसको दिया अदानी ग्रीन एनर्जी को। तो अदानी ग्रीन एनर्जी को इस तरीके से प्रोजेक्ट दिया और वो भी 4.9 बिलियन रुपीज़ का। तो मुझे लगता है अदानी ग्रीन को यहाँ से भी फायदा मिलेगा। तीसरी पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अदानी ग्रीन प्लान 9 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इन फेज 1, मतलब
फेज वन, फेज वन के लिए कंपनी 9 बिलियन रुपीज का, सॉरी 9 बिलियन डॉलर का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। तो देखिए फ्यूचर में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी एक इको फ्रेंडली है, एक पॉल्यूशन जीरो है, जीरो करता है, तो जिसके चलते हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी बड़े बड़े कंपनी काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पे अवंतल है, जहाँ पे गेल है, इस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर इस कंपनी के ऊपर एंटर हो चुके हैं, जहाँ पे अदानी ग्रुप भी पीछे नहीं रहेंगे, तो इसलिए वो 9 बिलियन डॉलर्स का टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया क्योंकि आपको कंपनी के फ्यूचर पर्सपेक्टिव व्यू आपको पता चले। तो जो लोग सोच रहे कि कंपनी इस बार रिजल्ट खराब हुआ, कंपनी गिर रहा है, तो मैं क्या करूँ, उसके लिए बता दूँ कंपनी का अगर व्यू आपको पॉजिटिव है, कंपनी का बिजनेस अगर सही दिशा में जाने का व्यू आपको दिखा रहा है, तो वो आज नहीं तो कल आपको जरूर प्रॉफिट देगा। तो अदानी ग्रीन के ऊपर लगातार एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कंपनी के ऊपर लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ। पैटर्न्स का मतलब क्या है, एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक कप बने हैं और उसी बेसिस में एक छोटा सा हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होने वाला है। तो कप के बाद यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट हुआ तो कप विद हैंडल पैटर्न कम्प्लीट हो जाएगा और लंबा सा एक धमाका देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, मुझे लगता है इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही टारगेट बनेगा। तो अगर ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न कम्प्लीट हुआ, तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं, अगर मैं नीचे लेवल से टॉप लेवल तक मार्किंग करूँ तो 350 रुपीज़ दिख, 350% दिख रहा है, तो इसको मैं अगर ऊपर बिठा दूँ तो अराउंड 70-80% का टारगेट होने का चांसेस रहेगा। तो फाइनली ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद जो डिसीजन बनेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। लास्ट कंपनी उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रियल इको एनर्जी लिमिटेड, जो सिर्फ एक 68 करोड़ का कंपनी है, एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। कंपनी के चार्ट भी देखेंगे तो धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर गया, इसका लो था अराउंड 23 रुपीज़ और इसका हाई हुआ था करीबन करीबन 33 रुपीज़, सॉरी 40 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी अच्छा खासा जर्नी दिखाने के बाद कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आया, वो है स्प्लिट पाने का। तो कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है, उसको 2 रुपया बनाने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आएगा तब इस कंपनी के ऊपर स्प्लिट का डेट अनाउंसमेंट किया जाएगा। ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एडुकेशन पर्पस में होते हैं, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करना है तो प्लीज़ एक बार सोच समझ कर स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।